Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology, another video. In this video today we will discuss about क्या electro homeopathy करने के बाद government vacancy निकलती है या electro homeopathy जो candidates course करते हैं उनकी government job लग सकती है, government vacancy उनके लिए जो है वहाँ पे open होती है. आज हम लोग अपने इस topic पे बात करेंगे, but अपने इस topic पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग CSIR NET Life Sciences exam की preparation करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए IFAS जोधपुर जो है ये बहुत सारे online courses लेके आया है CSIR NET Life Sciences एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. तो आप लोग जो हैं इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे, बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे. और आप लोग जो हैं इस कोचिंग का जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग जो हैं इस कोचिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. तो आप लोगों को मैं इस कोचिंग में कैसे ज्वाइन करना है, इस कोचिंग को कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल करा दूंगा. अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं. फ्रेंड्स, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए नहीं निकली है. सरकार ने कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं निकाली है और ये हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई वैकेंसी आए और आप लोग जो हैं उस वैकेंसी के थ्रू इस कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब पा सके. बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे, तो ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है. और ये क्वेश्चन जो है मुझे पिछले कई दिन से आ रहा था, तो इसी क्वेश्चन का मैं आज आप लोगों को एक अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे देने जा रहा हूँ और मैंने आप लोगों को बताया. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज.